प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर रहे। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने परिवारवादी पार्टियों को आड़े हाथ लिया। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती है, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती है। इस परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है, न कोई परवाह होती है। उन्होंने कहा कि यह पार्टियां सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र और युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारे देश ने देखा है कि कैसे भ्रष्टाचार एक परिवार को समर्पित राजनीतिक दलों का चेहरा बन जाता है। पीएम ने आगे कहा कि परिवारवादी पार्टियां केवल अपने विकास के बारे में सोचती हैं। ये पार्टियां गरीब लोगों की परवाह नहीं करती हैं। उनकी राजनीति इस बात पर केंद्रित है कि एक परिवार कैसे सत्ता में रह सकता है और जितना हो सके उतना लूटता है। पीएम ने इसी के साथ तेलंगाना की केसीआर सरकार को भी आड़े हाथों लिया और सीएम पर भी जमकर कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि केसीआर सरकार अंधविश्वास के साथ भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। तेलंगाना का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है और इसी कारण इस बार राज्य में भाजपा सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री ने आगे यह भी कहा कि जब बात टेक्नोलॉजी की हो तो तेलंगाना और यहाँ के युवाओं की क्षमता के बिना यह बात कभी पूरी नहीं हो सकती। इन क्षमताओं के पूरे इस्तेमाल के लिए तेलंगाना को एक प्रोग्रेसिव और ईमानदार सरकार की आवश्यकता है। यह सरकार केवल भाजपा ही दे सकती है। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहा है कि आप सभी को राज्य में पार्टी के साथ जनता की सेवा में पूरी मेहनत करनी चाहिए। हमें तेलंगाना की जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।